या उससे बचा जा सकता है। दिल्ली के अंदर जो सभी तरह के कंस्ट्रक्शन और डिमोल्यूशन की गतिविधियां हैं उन पर भी प्रतिबंध जारी रहेगा। 18 तक जो स्कूल बंद करने का निर्णय है वो कंटिन्यू रहेगा। दिल्ली के अंदर जो 13 हॉट स्पॉट्स हैं उनकी जो स्पेशल मॉनिटरिंग थी उसको और स्ट्रिक्ट किया जाएगा, और उसके लिए जो एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर हैं उनको दोबारा आज डायरेक्शन जारी किया जा रहा है कि वो अपनी टीमों को मीटिंग करके रिव्यू करके उनको दोबारा से एक्टिव रखें, जिससे जो आगे चैलेंज दिख रहा है उससे उस चुनौती का सामना हम लोग कर सकें, उसको सही तरीके से कंट्रोल कर सकें। दिल्ली के अंदर इन अभियानों को जारी रखते हुए जो प्रतिबंध हैं, हमने 7 अक्टूबर से 7 नवंबर तक 1 महीने का एंटी डस्ट कैंपेन हमने चलाया। अब तक जो एंटी डस्ट कैंपेन चलाए गए उसमें 20,000 से ज़्यादा इंस्पेक्शन अलग अलग साइटों का किया गया, जिसमें 1,161 साइटों पे कार्रवाई की गई, जिसमें 2,47 करोड़ का जुर्माना जो है इम्पोज किया गया, 47 लाख। अभी आगे जो स्थिति दिख रही है उसको देखते हुए आज हमने निर्णय लिया है कि ये 15 दिन के लिए एंटी डस्ट कैंपेन को और बढ़ाया जा रहा है। 14 नवंबर से 30 नवंबर तक 591 टीमें जो काम कर रही थीं वो अगले 15 दिन तक एंटी डस्ट कैंपेन को एक्सटेंड किया जा रहा है और वो फील्ड में विजिट करेंगी। क्योंकि खास तौर से कंस्ट्रक्शन डिमोल्यूशन की गतिविधियों पर प्रतिबंध है तो कई जगह से ये कंप्लेंट आ रही है कि जो काम जैसे था वैसे छोड़ करके जो कंस्ट्रक्शन एजेंसीज हैं जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो चले गए हैं, और वहाँ पे चूंकि अब बारिश का 4th दिन हो गया तो अब वहाँ पर डस्ट उड़ने की जो है घटनाएं बढ़ने की संभावना दिख रही है। बारिश की वजह से सारा डस्ट जो है वो सेप्रेस हो गया था। तो अब ये एंटी डस्ट कैंपेन को 14 नवंबर से 30 नवंबर के लिए एक्सटेंड किया जा रहा है, जिससे कि जहाँ पे प्रतिबंधित किया गया है वहाँ पर भी डस्ट कंट्रोल मेजर्स को जो है वो लिया जा सके। इसके साथ साथ एंटी ओपन बर्निंग, क्योंकि अब टेम्परेचर डाउन जा रहा है तो रात में रिपोर्ट हो रही है कि जगह जगह पे आग को जला करके लोग उसे गर्मी के लिए यूज कर रहे हैं, तो एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन 14 नवंबर से 14 दिसंबर तक 1 महीने का चलाने का निर्णय हुआ है, जिसमें 611 611 टीमों की ड्यूटी लगाई जा रही है, जो इस तरह के लोकल लेवल पे इस गतिविधियों पे कंट्रोल कर